आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे और मैं हूँ सोनिया डोगरा आपके साथ एक बार फिर से लाइव में जुड़ चुकी हूँ। और बताते चले कि लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण की बात करें, कल चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर तैयारियां जो है पूरे फाइनल जो है अपने चरण पे है। और वहीं पे इसको लेकर बात करें तो एक ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें ये बताया गया कि जितने भी अब इलेक्शन से जुड़े हुए ईवीएम्स है और कई उसके रिलेटेड जो मटेरियल है उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए ये ट्रैफिक एडवाइजरी जो है विशेष कर जारी कर दी गई है, ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए, स्मूथ जो है व्हीकल्स अपने पोलिंग स्टेशन पॉइंट्स पर पहुंच सके। और साथ ही साथ बता दूं जो दूसरी ट्रैफिक है वो बिल्कुल आराम से चल सके, विदाउट एनी कोई टेंशन, कोई कन्वीनियंस के चलती रहे। और इसके चलते हुए कुछ एडवाइजरी ट्रैफिक में बदलाव कर दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो व्हीकल की बात करें, चाहे वो टू व्हीलर की बात करें, चाहे वो फोर व्हीलर की बात करें, तो उसको लेके एडवाइजरी क्या है अब बताते चले कि जिसमें ये बताया गया है कि जो व्हीकल्स है गोल मार्केट से जो है गवर्नमेंट हाई स्टैंडर्ड स्कूल गांधीनगर तक जो जाती है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि जो वहां से अब नहीं निकलेगी वो अप्सरा थिएटर के बिल्कुल बैक साइड से निकलेगी और वहां पे उनको डाइवर्ट कर दिया गया था। यानी कि गोल मार्केट से लेके गवर्नमेंट हाई स्टैंडर्ड स्कूल जो है कि जो तरफ जो है वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आएगी, उसको अप्सरा की बात करें, अप्सरा थिएटर के बिल्कुल बैक साइड की जो रोड है वहाँ से उस तरफ पे डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं पे लास्ट मोड़ की तरफ आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको डाइवर्ट करके शास्त्री नगर और नई बस्ती की तरफ से वो कर दिया गया है। आज की बात करें जो अभी तक तीसरे बदलाव जो किया गया था, इसमें विक्रम चौक से लेके MM कॉलेज की जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है, वो पनामा चौक की बात करें वहाँ पे जाएगी और बाय एशिया होटल की तरफ से होकर एशिया होटल की तरफ से पनामा चौक की तरफ जाएंगे। विक्रम चौक की तरफ से MM कॉलेज डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं पे जो चौथा बदलाव कर दिया गया है वो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ आने वाली जो गाड़ी है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, पनामा चौक की तरफ से जो है वहाँ पे अब वो डाइवर्ट होगी, यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर से वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आएंगी। और वहीं पे जम्मू से जुड़े हुए जो इलाके हैं जहाँ पे बदलाव कर दिए गए हैं उसमें बताते चले कि जैसे फ्रैक्शन सेंटर है, वीडियो ऑफिस बिश्ना की बात करें, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चक्रोई की बात करें, और वहीं पर शेर कश्मीर, माफ़ कीजिएगा, जिसमें वीडियो ऑफिस बिश्नाह की बात करें, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी चक्रोई और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी साइंसेज टेक्नोलॉजी जम्मू और वीडियो ऑफिस मढ़, और वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत जो है वहाँ पे ट्रैफिक के जो है बदलाव जो है वो किए गए हैं। और ये बदलाव जो है विशेषकर इसलिए कर दिए गए हैं जो गाड़ियाँ इलेक्शन ड्यूटी के लिए है उनकी जो है यहाँ पे जो EVM लेके जाएंगी, जो मटेरियल लेके जाएगी, उन्हें किसी तरह की जो इनकन्वीनियंस ना हो, दिक्कत ना हो स्टेशन पर पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और थोड़े बदलाव जो है वो किए गए। लेकिन मुख्यतः जो बदलाव आज के लिए कर दिए गए हैं, ये सारे जो ट्रैफिक के बदलाव हैं वो आज के लिए हैं, अभी तक के लिए सभी इलेक्शन को लेकर जो सामान EVM कोई भी ऐसी जुड़ी मटेरियल जो चीज़ें हैं हर जगह जो है अपने अपने पोलिंग स्टेशन में डिप्लॉय हो जाएंगे। इसीलिए किस तरह से ट्रैफिक से जुड़े हुए मामले को लेकर कोई दिक्कत ना हो, और इसीलिए थोड़ा सा जो है डाइवर्शन जो है वो कर दिया गया था। ये डाइवर्शन जो है वो आपको मैंने बताया था अभी तक का आज का था, जिस प्रकार से मैंने पहले भी एक लाइव किया था उसमें मैंने बताया था कि आपको किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही हैं और पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं। पहले लाइव करके मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जितने भी वो वहाँ पर इम्प्लॉयज़ है उनको वहाँ पर वन बाई वन बुला के बाय बसेस बाय जो मेटाडोर है वहाँ पे भेज कर अपने बूथ जो स्टेशन है वहाँ पे भेजा जा रहा है, और तैयारी किस प्रकार से की जा रही थी ताकि उनको जो है आने जाने में दिक्कत ना, उसी को लेके ये एडवाइजरी जो थी वो निकाली गई थी, जो कि माफ़ कीजिएगा थोड़ा लेट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से अभी तक भी एडवाइजरी जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर चल रही है। वहाँ से गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा, वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जो हैं उसको वहाँ से चली मतलब माफ़ कीजिएगा जा चुकी हैं अब वहाँ पर पोलिंग बूथ स्टेशन की तरफ, और कुछ गाड़ियां अभी वहां पे हैं, कुछ गाड़ियों को अभी भी वहां पे बताया जा रहा है और EVM मशीन दी जा रही है उनको, जो उनका सामान है वो देकर वहां से भेजा जा रहा है। कुछ पुलिंग स्टेशन पे जो है कल की तैयारियों को लेकर बात करें तो वहां पे जो है तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन कुछ पुलिंग स्टेशन की बात करें जहां पे ये
ये जो चुनाव कल जो वोट डाले जाएंगे उस पर तैयारियां जो है वो की जा रही, थोड़ी देर पहले हमने लाइव में दिखाया था, कोशिश करेंगे फिर से आपको दिखाएंगे किस प्रकार से तैयारियां की गई है, कितनी तैयारियां जो है फाइनली हो चुकी है। कल को लेके लोग भी काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब हम लोग वोट डालने के लिए जाएं और अपने मन पसंदीदा चुनाव को लेकर जो सरकार को पसंद करे और वही सरकार हमारे आगे आए। अब देखना ये है कल को लेके बात करें तो कल की बात करें, कल को लेके लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट उनको है और वहीं पे पूछा जा रहा है कि कब थोड़े घंटे बचे हैं, कब रात बीतेगी, कब सुबह होगी, कब हम उस लाइन पे जाएंगे। और कुछ लोग इंतजार ये भी कर रहे हैं कि वहां पे सोशल मीडिया के माध्यम से हम दिखे और हम अपनी मन की बात जो है वो आप तक रखे। अब देखना ये है कि कल को लेके कितनी एक्साइटमेंट है लोगों में, वो तो कल ही पता लग पाएगा। और आज की एडवाइजरी जो थी हमने बता दी, अब कल भी कुछ और भी कोई जानकारी निकल के आती है हम अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जरूर रखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जेके न्यूज़ टुडे कैमरामैन सोम दत्त के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा।